हेलो दोस्तों, जय हिंद। डॉगीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके पास जो पपीज है, 3 मंथ ओल्ड पपी है, फैबुलस, वैक्सीनेशन लग चुका है, पेपर जो है वो हैंड टू हैंड है। एंड जैसा हमेशा कहता हूँ मैं कि पपीज जो है हमेशा आप 3 मंथ प्लस लीजिए, अगर आप क्यों आप उसमें आप हॉक इनके मतलब प्रॉपर टेल एंगुलेशन सब कुछ आप बोन स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ आप देख के ले सकते हैं। ये आपको प्लस पॉइंट है जो आप इसमें देखने वाले हो। एंड राइट, खतरे की बात नहीं है, जो टाइम होता है डेंजर वो निकल चुका है। राइट, एंड जो फादर है आप देख सकते हैं, फादर अल्टीमेट लॉन्ग कोट है, बट हमेशा लॉन्ग कोट पेरेंट्स के पपीज नहीं आते। इसमें 2 पपीज है जो लॉन्ग कोट है, बाकी 2 स्टॉक कोट में है। और परफेक्ट है। और इस डॉग की अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसने किस किस डॉग को बीट किया है, अगर आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। इससे पहले सो समझदार इंसान, समझदार लोग हमेशा 3 मंथ प्लस ही प्रेफर करते हैं, और जो जिनको नॉलेज कम होता है वो 30-35 डेज के बच्चे को चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि ऑलवेज गो फॉर इट, 45 डेज प्लस पपी लो, 2 महीने 2.5, जितना बड़ा बच्चा मिले उतना बेटर है, क्योंकि वो अपना जो खतरे का जोन है, खतरे का एज है, वो पार कर चुके होते हैं वो। अब इसमें वैक्सीनेशन लग चुका है तो पार्वो का टेंशन नहीं है, अदर डिजीज का टेंशन नहीं है। राइट, एंड आप जैसे बच्चे लीन बना रखे दैट्स बिकॉज कि इनके एंगुलेशन वगैरह फर्क ना पड़े। अगर हम इसको ज़्यादा फैटी ज़्यादा बल्की कर देंगे तो इसके हॉक वगैरह में पीछे में प्रॉब्लम आने के चांसेस हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये जाकर भैया जो केयर करते हुए, इस डॉग के अलग से अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। नहीं बेटा नहीं, 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 नहीं। देखिए शानदार, ये बाप बेटे कितना प्यारा प्यारा, आप देख सकते हैं। बाकी लॉन्ग वीडियो, वेरी सून।